इट वॉज ऑसम एंड मुझे राहुल सर के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा. और आप लोग प्लीज़ देखिए, बहुत अच्छी मूवी है. फर्स्ट ट्रायल है उनका, बट दिस इज़ वेरी गुड. ओके, राहुल सर के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना? वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने उनके साथ काम किया, फर्स्ट टाइम है और मेरी पहली अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके. मस्ती भी की और साथ में काम भी किया. ओके, पर्सन कितना स्टार देना चाहिए? 5 out of 5. 5 out of 5. थैंक यू, थैंक यू. बेस्ट, सुपर्ब एंड रियली एंटरटेनिंग, फुल्ली कनेक्टेड एंड रियली एवरीबडी डिड अ वेरी हार्ड वर्क. एंड बहुत टाइम बाद इतनी लाइट एंटरटेनमेंट मूवी देखने को मिली है. रियली ग्रेट सॉन्ग्स, बहुत अच्छे. राहुल सर के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना? बेस्ट. 5 out of 5 stars. इट्स फैंटास्टिक. यूथ को कंसिडर करते हुए जो यंग जनरेशन्स हैं, जो यंग टैलेंट्स मुंबई में आके स्ट्रगल करते हैं, उसके ऊपर एक सुपर कॉमेडी फिल्म है. इसको यंगस्टर्स को जरूर देखना चाहिए. ओके, इसी राजू ने कितना हंसाया आपको? कॉमेडी जॉनर की बात करें, मतलब ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं रहा कि हर डायलॉग पे सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करते हुए आदमी हंस सकता है. हर डायलॉग में हंसी है यहाँ पे, और बहुत ही एंटरटेनिंग, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक एकदम फर्स्ट क्लास एंटरटेनिंग फिल्म है. ओके, राहुल सर के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? इट्स सुपर्ब. मतलब यू कैंट इमेजिन, मतलब कोई छोटी छोटी बातों से इतना बढ़िया ह्यूमर निकाल सकता है. मेरे ख्याल से ये हमारे शुक्ला जी ही कर सकते हैं. ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए आपको? इट्स 5 आउट ऑफ 10. थैंक यू. सर, मूवी आपने जज देखी, कैसी लगी आपको मूवी? मूवी बहुत अच्छी है, और मूवी आजकल के हिसाब से जैसे यूथ मूवीज रहती हैं उस टाइप से मज़ा आने वाला है. ज़्यादातर यूथ के लिए फिल्म, और मुंबई बेस्ड जितने लोग हैं, इवन और भी शहरों में, कि कैसे वो आके रेंट पे रहते हैं, क्या उनके आपस की चीज़ें होती हैं, रूममेट्स का झगड़ा, ये सब, मतलब फुल एंटरटेनिंग फिल्म है. आप देख सकते हैं, इवन सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं फिल्म के. और राहुल को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है उसने. लेकिन मैं खुद सरप्राइज हुआ पहली बार देख के कि डायरेक्टर भी वो इतना अच्छा कमाल का, तो मज़ा आया था. और कॉमेडी जॉनर की बात करें तो कितना हंसाया लोगों ने इसी रात में? भाई मैं तो बहुत देर तक हंस ही रहा था, क्योंकि फिल्म में ऐसा है कि ग्रिप बनी हुई है, आप 2 मिनट के भी नहीं उठ के जा सकते, बहुत मज़ा आया. ओके, 5 out of 5 कितना स्टार देना चाहिए? 4. थैंक यू सर. अभी जस्ट आपने इसी राजू देखी, तो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बढ़िया है, बहुत एंटरटेनिंग है, सबको देखनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत खुश हुआ मैं देख के. ओके, लोकेशन और गाने की बात करें तो बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. राहुल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और वो हमेशा से बहुत अच्छा काम करते आए हैं, मैं उनको पहले से जानता हूँ, और पहले भी जो उन्होंने काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, और वो बहुत आगे जाने वाले हैं. बहुत अच्छा काम किया है. Okay, बहुत खुश हुआ. डायरेक्शन कैसी लगी? डायरेक्शन बहुत अच्छे, सुपर, कमाल. ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 10 on 10. थैंक यू सर. राजू, कैसी लगी आपको मूवी? मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और काफ़ी डिफरेंट था, तो हंसी भी आई काफ़ी. मेरे दोस्त का खुद उसमें करेक्टर है, तो उसने बोला कि आकर देख लो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एक्चुअली डायरेक्टर का मुझे नाम तो नहीं पता, मैं भी खुद एक एक्टर हूँ, मेरी मूवी जल्दी आएगी. सो इसका काम देख के मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन मिला कि जो दो एक्टर्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा काम किया. ओके, डायरेक्टर की बात करें तो उनका नाम राहुल है. सो राहुल के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? डायरेक्शन मैं गुड नो, उसमें कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन है, और काफ़ी अच्छा भी काम करवाया, क्योंकि डायरेक्टर है तो एक्टर है, सारा काम डायरेक्टर ही निकालता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने. ओके, कितनी एंटरटेनिंग थी ये मूवी? मेरे हिसाब से 5 to 4 points तो मेरे हिसाब से बनते हैं, कि कॉमेडी तो है उसमें अच्छे, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, जो है दो करेक्टर है उसमें अच्छे, काफ़ी अच्छा काम किया. ओके, कितना स्टार देना चाहिए? 4 आई थिंक. थैंक यू. सर, तो कैसी लगी मूवी इसी राजू? मुझे बहुत अच्छी लगी. आई एम समीर. ओके, डायरेक्शन की बात करें राहुल जी की, कितनी अच्छी लगी आपको डायरेक्शन? देखिए, डायरेक्शन की बात करें तो पूरी मूवी में डायरेक्टर का काम है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब नए लोग थे, तो पूरा डायरेक्टर का काम है.
जाहिर सी बात है उसमें क्या okay, लोकेशंस और गाने के बारे में बहुत चर्चा हो रही है तो हाँ। कैसी लगी आपको पसंद हाँ। पहले गाने के बारे में बात करेंगे, गाने एकदम सुपर बढ़िया है। मेरा दोस्त उसमें एक अलग इसमें आया है, जो बंगाली जो कुर्ता पहन के जो डांस कर रहा है वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसके लिए आया खास तौर पर देखने के लिए। लेकिन पूरी मूवी के सभी कैरेक्टर्स मुझे सभी अच्छे लगे, गॉड से बोल सकते हैं ऐसा है, बहुत अच्छा। फायर टॉप कितना चार्ज आ जाएगा? ऑलमोस्ट फोर स्टार्स बनते हैं। अच्छा लगा, अच्छी है, नाइसली डन, नाइस एंटरटेनिंग, एंड जो कैरेक्टर जो मोटे फैट गाय का कैरेक्टर था, ही वाज माइंड ब्लोइंग। पंचेस अच्छे थे, मतलब उनके जो कॉमेडी से कॉमेडी का सेंस है वो बहुत अच्छा था, और बहुत सारे डायलॉग्स जो थे वो कैची थे, मतलब याद रहने जैसे। ओके, एंटरटेनिंग की बात करें तो मूवी कितनी एंटरटेनिंग है, कितनी ग्रिप है लोगों पर? नहीं, मूवी एक्चुअली कहीं हम आप कंटिन्यू देखेंगे तो मतलब कहीं भी आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, वो कंटिन्यू आपका माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देती, फ्लो एक जो फ्लो है ना वो आपका मेंटेन रहता है, सो दैट इज़ गुड। स्टोरी कन्वे बहुत अच्छे तरीके से की है। ओके, सॉन्ग्स की बात करें और लोकेशंस की बात करें, बहुत ही चर्चित में है, तो कितने आपको पसंद है सॉन्ग्स? सॉन्ग्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, सॉन्ग्स थोड़े इमोशनल थे, अच्छे थे, जो पर्टिकुलर जो सीन्स को लेकर जो होता है ना कि एक फील जो होता है, सॉन्ग्स जो लिरिक्स कन्वे करते हैं, एक लिरिक्स नरेट करती है आपकी सिचुएशन को, वो बहुत अच्छी थी, एंड प्लेसमेंट बहुत अच्छा था सॉन्ग्स का। एक्चुअली अच्छा था, मतलब आजकल तो इमोशनल सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, और मतलब पार्टी सॉन्ग लोग आके भूल जाते हैं, बट इमोशनल सॉन्ग लोग अपने आप को टच करके उसको बार बार सुनते हैं, सो दैट इज़ समथिंग यूनिक। ओके, कितना स्टार देना चाहिए फाइव? व्हाट स्टार रेटिंग? ओके, एट। फाइव आउट ऑफ एट, फोर, फोर एंड हाफ। थैंक यू, थैंक यू। It's very fantastic movie. I really loved it. Being in the management team, I really like it, and especially the work done by the actor and actresses. It's really fab, and especially this guy, fat guy Saurabh, he has done very well, fantastic job, and I like the movie, especially the acting wise. Movie is very nice, song and all, especially music. It's given by Zee. So it's always good music given by Zee, but it's my movie, so I love it, and otherwise also it's very very nicely made, and as a fresh start, everyone is new, so for that reason I like it, and I hope people will come and watch and give us appreciation. Okay, ma'am, what do you like to say about the direction of Rahul sir? Rahul was from day one I have seen him, his matlab work and all, so he is fantastic. Otherwise also the plot of the film is very well made. The direction is good already, but writing is very nice. So it's overall a very good movie, urban rom-com, means romantic comedy, and this actress Aditi Bhagat is really really very fantastic job she has done, and the otherwise also everybody has done a very good job. So people should come and watch. Okay, how much I'd like to give, ma'am, after 5? 4. Thank you. Being an honest review, I have given you. Thank you so much.